वाह खतरनाक भाई भाई साहब, ये क्या ही हुआ होगा भाई भाई भाई। बंदा तो सेफ होगा बट भाई कैसे निकला होगा आई डोंट नो भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू 348 ब्लॉग्स। तो भाई आज हम जा रहे हैं अपना लाके वाली माता मंदिर। भाई साहब एक मिनट के लिए हैंडल छोड़ा, हैंडल के नीचे पत्थर आया भाई, ऐसे 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 काम रहा था तगड़े तरीके से। तो भाई फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपना लाके वाली माता मंदिर। क्या बोलते क्या है, आज की संडे है और नवरात्रे भी है और इससे पहले हम कभी गए भी नहीं है, तो आज प्लान बन रहा था। बहुत दिनों से सोच रहा था कि भाई जाऊँ, सो बड़ी मुश्किल से प्लान बना है। सो फिलहाल आज जाएंगे भाई अच्छे से माता रानी के दर्शन करने। और भाई अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर की राइड है एक तरफ से, सो अप डाउन अपने को पड़ेगा 200 किलोमीटर, जिसमें से आधे से ज़्यादा खतरनाक रोड है। तो राइड का भी मज़ा रहेगा, बढ़िया से इंजॉय करेंगे राइड भी, एंड क्या बोलते हैं अपना ये भी माता रानी के दर्शन भी करेंगे अच्छे से। तो फिलहाल चलते हैं, ऑलमोस्ट पेट्रोल पंप पहुँच चुके हैं हम। यहाँ से थोड़ा सा जरा सा पेट्रोल भरवाएंगे और निकल चलेंगे। यो यो अनि सिंह पावर। तो भाई पेट्रोल हमने भरवा लिया है एंड नाउ नाउ चलते हैं। थोड़ा सा तो क्या, चलना तो पूरा पड़ेगा, पहुंचना तो वहां तक है, तो काफी चलना पड़ेगा, काफी राइड है। और भाई वो बर्फ जहाँ दिख रही है वो वाले पहाड़ों वाली तरफ हम निकल रहे हैं अभी। क्या बोलते हैं अपना भरमौर रोड पे आ गए हैं हम, एंड अपना अभी ये TRT क्रॉस कर लिया है हमने, क्रिया क्रॉस कर लिया है, वजेरा पहुंचने वाले हैं एक दो मिनट में। और चल रहे हैं स्लोली स्लोली ये स्पीड पे, अपनी रेगुलर यही स्पीड बिलो 50, तो इसी स्पीड पे जा रहे हैं एंड चलते चलते स्लोली स्लोली चले जाएंगे आगे। एंड धूप आ रही है भाई वो सामने वाली तरफ से, वो धुंधली सी धूप है और फिलहाल ठंड अभी काफ़ी तगड़ी ठंड लग रही है भाई साहब। और टाइम अभी आई थिंक 8 बज रहे हैं, हाँ 8 बजे के करीब का टाइम हो रहा होगा। फिर मैंने घर से निकलते टाइम टाइम देखा था, उसके बाद मैंने टाइम चेक नहीं करा क्या टाइम है। स्लोली स्लोली चल रहे हैं फिलहाल। क्या है अपना कि हमने जांगी क्रॉस कर लिया है एंड धूप भी आ गई है, बट भाई साहब धूप है बिल्कुल बादल में से होकर के धुंधली सी धूप आ रही है, तो काफी ठंडी धूप है। पता नहीं क्या रहेगा इस धूप का, गर्म होगी है या नहीं, बट अपने को चलना है, चलते जाना है, स्लोली स्लोली चलते जाना है बस। अभी तक हम लोगों ने जांगी, हम लोगों ने नहीं, मैं अभी तक जांगी ही क्रॉस करा है, मतलब तो भी क्रॉस नहीं करा है, अभी हूँ जांगी हूँ। और भाई आगे आगे बंदे की बाइक पे पेट्रोल की बोतल लटक रही है, बोलो उतार लूँ, बोलो भाई। ये 3 2 1 बूम। तो भाई राख क्रॉस करके बक्का पहुंचने वाले हैं हम, और नाक में से सी 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 होना स्टार्ट हो गया ठंड की वजह से। और भाई ये आगे आगे के ट्रक चल रहे हैं, एक ये और एक वो चल रहा है आगे, बड़े बड़े ट्रक्स। फिलहाल तक तो बढ़िया है, इजीली ओवरटेक भी कर पा रहे हैं हम इनको, बट थोड़े से टाइम में ये सब मुश्किल हो जाएगा अगर आगे एक गाड़ी चल रही है तो। इधर तो धूल धूल नहीं है उतनी, कुछ नहीं है, बट आगे से धूल वगैरह वो सब मिलेगा, क्योंकि होली उधर से होली वाले रोड में मैं काफ़ी टाइम के बाद जा रहा हूँ। तो होली रोड पर लास्ट टाइम गया था मैं, मतलब जिस टाइम GMR गया था, सो GMR के बाद भाई अभी मतलब काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी लंबे टाइम के बाद भाई साहब। सो कोई ना, सो फिलहाल तो अभी आई डोंट नो कोई बच रहा है GMR में अपना नॉन या नहीं, कोई आइडिया नहीं है, बट होली में
एक और भाई है हमारा, उससे मिलेंगे, मतलब अपने इधर से ही है, अपने गांव से, उधर जॉब करता है वो भी। अबे अपनी साइड रखना। ओ भाई साहब किधर चल रहे हैं देखना, ये रोड के बाहर उतार दे भाई, इधर से चल बाहर, बाहर से हवा में, हवाई जहाज है तुम्हारे पास, ट्रक थोड़े ना है। माना यार बड़ी गाड़ी है तुम्हारे पास, दैट नॉट मीन्स कि तुम रॉन्ग साइड चलोगे, दूसरों को परेशान करोगे। भाई तो इधर से थोड़ा सा आगे तक ऑफ रोड है, मतलब ये रोड का है कि ये हर साल बरसात में बह जाता है इधर से, ये नहीं बस अपना 50 मीटर आगे से वो रोड स्टार्ट होने वाला है। एंड भाई बसेस मिल रही हैं अपने को काफ़ी, तो ये आई है भरमौर से, इससे पहले नया ग्राम वाली बस मिली अपने को, जहाँ हम अभी जा रहे हैं वहाँ वहाँ से आती वो। ओ भाई साहब तो इससे आगे भाई हवा मैंने अभी तक भी कम नहीं करी, कोई नहीं आगे जाके करते हैं। और भाई इधर देखना, ये सारा रोड बह गया हुआ था, दोबारा से बन रहा है, ये हर साल बरसात में होता है और उसके बाद हर साल नया बनता है, ये हर बार ही का है एक्चुअली। इधर डैम भी है और बरसात में उस वाली तरफ से पानी भी काफ़ी आता है, काफ़ी ख़तरनाक, क्योंकि भाई रावी नदी है ये, ख़तरनाक रावी नदी। भाई साहब कीचड़ में गिरना नहीं है अपने को, बाकी कुछ भी बेइज्जती हो जाएगी लोगों के सामने, क्या वाह देखो बंदे हैं, राइडर गिर गया इधर इतने से कीचड़ में। इधर भी कंक्रीट का काम चल रहा है, इधर इधर तक आया है अभी तक भाई, लगता नहीं है, सही बात है। वो ऊपर जो रोड दिख रहा है उस रोड में से होकर के हम गए थे इस बार लमडल महादेव के लिए। भाई इधर एक दुकान हुआ करती थी, बहकी हुई है भाई खतरनाक, लास्ट टाइम तो ध्यान ही नहीं दिया हमने, क्योंकि लास्ट टाइम ये था कि चलो जल्दी जल्दी जल्दी, लेट हो रहे हैं, चढ़ाई चढ़नी है, ये करना है वो करना है, तो उस करके हम बट नाउ देखा भाई दुकान बैठी हुई है, कहीं चलो चलते हैं, थोड़ा सा हल्का सा स्पीड अप बनता है इधर से। वाला दरवाला पहुंच गए हम, मतलब अप्रोक्सीमेट 25-30 किलोमीटर अभी तक की राइड हुई है अपनी, और इसके बाद क्या बोलते हैं अपना, अगर 25-30 हुई है तो 75 के करीब अभी आगे बच रहा होगा। तो भाई साहब काफ़ी लंबा राइड है अपना फिलहाल तक, तो 75 किलोमीटर अभी और आगे, उसके बाद एक आध घंटा रुकेंगे हम मंदिर इधर वन, ये मतलब कंटिन्यू चलता रहता है, थोड़ी सी बरसात आएगी। और भाई जो मेन रोड पक्का रोड है, मैं पक्का रोड दिखाता हूँ आपको। चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई चल भाई भाई, वो देखना वो उधर नीचे पक्के रोड का टुकड़ा, वो सामने उधर भाई साहब हो रही है अभी भी, क्या है भाई ये गड्ढा सा बनाया हुआ है, वाइडिंग चल रही है इधर की, क्या क्या पता कुछ नहीं आइडिया, बट भाई ये देखना ये आगे हुए हैं, सो ये रेगुलर है भाई। साहब तो थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं, एंड सामने हैं अपने क्या बोलते हैं ये त्रिलोचन महादेव। तो फिलहाल हम त्रिलोचन महादेव नहीं जा रहे हैं अभी, सामने से ही दर्शन कर लेंगे महादेव के एंड निकल जाएंगे आगे, क्योंकि आगे का अपना काफ़ी लंबा है, अभी काफ़ी लंबी राइड है। अगर त्रिलोचन महादेव जाते हैं तो अपना आधा घंटा एक घंटा उधर लग जाएगा, क्योंकि भाई नैरो रोड स्टार्ट हो चुका है अब, बीच बीच में इस तरीके का आएगा, बीच बीच में काफ़ी नैरो, भाई साहब तगड़ा रहेगा ये भी, क्योंकि क्या है कि धूप तो आ नहीं रही है और ठंड है, तगड़ी ठंड तगड़ी ठंड, और दुनाली। और भाई साहब ये जो रोड दिख रहा है ना, ये वाला राइट साइड में बेही, तो ये इधर से जाता है लमडल महादेव के लिए रोड, ये
ब्रेही ब्रेही है, इधर से 6 किलोमीटर है, उसके बाद लमडल महादेव का पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। और भाई दुनाली 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 भाई साहब, इतनी बड़ी नाली, दुनाली के बीच में नाली। नाउ इस पिकअप को ओवरटेक करना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर है नकली सा, तो थोड़ा स्पीड अप करते हैं थोड़ा सा। और ये मोड़ के बाद रोड कुछ अजीब सा रोड है, नैरो रोड है। और भाई कोई नहीं, थोड़ा चलते हैं अब, क्योंकि अब थोड़ा चलना ज़रूरी है। तो भाई इधर मिल गई अपने को बहुत सारी भेड़े, एंड सामने दिख गया अपने को भाई साहब बर्फ से भरा हुआ पूरा ढका हुआ पहाड़, तगड़ा भाई तगड़ा दिख रहा है सामने। बट भाई साहब ठंड, जैसे जैसे बर्फ ज्यादा दिखेगी वैसे वैसे ठंड भी ज्यादा बढ़ेगी, बट वो देखते हैं अभी आगे। और ये तो होना ही था क्योंकि एकदम से गड्ढा आ गया भाई। ये क्लिफ हैंगर, वाह ये देखना भाई साहब, इसको आगे नहीं दिख रहा होगा तब भी बंदा निकला इस तरीके से। तो अपनी जान बचाना आपके अपने हाथ में है, सीधी सी बात है भाई। और ये अपना इस तरफ ये जो ऊपर वाला रोड है ये जा रहा है छतराड़ी, बट अभी अपना आज का छतराड़ी का नहीं है, आज हम जा रहे हैं अपना क्या नाम है नैगरा। तो भाई साहब आज नैगरा ही चलेंगे, आज जो आसपास कहीं नहीं जाएंगे, अलग से आएंगे किसी दिन छतराड़ी मंदिर भी। तो भाई सुपर, ये देखना ओ भाई खतरनाक है ना, खतरनाक। ये यहाँ पे कुटिया सी, अच्छा कुटिया सी हुआ करती थी, बट यहाँ पे ये लगता है दोबारा से बना, ये बह गया हुआ था, देख के तो वैसे लग रहा है बह गया था, ढह गया था, कुछ भी हुआ था, बट दोनों में से कुछ तो हुआ था इसके साथ, या तो ये बह गया था या तो ये ढह गया था। भाई साहब कोई ना, चलते हैं स्लोली स्लोली, ये इतने इतने छोटू छोटू से कीचड़ क्रॉस करते हुए। भाई वीडियो तो काफी लंबी बनेगी भाई आज की भी, अथाह लंबी, क्योंकि ऐसा बहुत लंबी राइड है। और रोड कुछ ऐसा है कि ओ भाई पत्थर गिरा, खतरनाक, इतना बड़ा नहीं था छोटा था, बट फिर भी भाई मेरे साइड में आके गिरा सीधे बूम पानी के बीच में। भाई ऐसा भी होता है भाई, बरसात की वजह से ये सारी हालत ये जो खराब हो रखी है सारी, उसी वजह से, बरसात की वजह से। नीचे नदी, नीचे की तरफ मतलब अपना रावी नदी, ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके के खतरनाक खूंखार पहाड़, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़। भाई साहब डरावना डरावना सफर है ये। भाई साहब एक तो ठंड, ऊपर से कीचड़, कीचड़ के बाद ये खतरनाक ऐसे पहाड़। सो भाई ये पहुंचे हैं हम अपना डकोक, और इधर से जाता है अपना अपना ये एग्जिट है बन्नी माता के लिए, एंड ये अपना आगे का जो खतरनाक सा रोड है ये भरमौर के लिए, और भाई वो सामने वाला और भी ज़्यादा खतरनाक है बन्नी माता वाला रोड। तो चलते हैं, फिलहाल आ गया है ये अभी टनल, चलते हैं स्लोली स्लोली, कोई नहीं ठंड के साथ साथ में वो सामने वाली तरफ धूप, और इधर से डैम भी स्टार्ट हो रहा है, बट डैम दिखेगा अपने को अभी। इसके बाद ये टनल क्रॉस करने से बाद के बाद भाई हम लोगों ने अटल टनल से पहले ये टनल देखी है। अटल टनल तो वैसे ही मैं एक ही बार गया हूँ, लास्ट ईयर गया था लद्दाख जाते टाइम,
और ये टनल तो पता नहीं कितनी बार क्रॉस करी है, बट भाई वो साफ सुथरी नीट एंड क्लीन है। इधर रहती है अपनी धूल धूल धूल। और तो आज ये वाले टाइम पे आया तो अंदर नज़र आ पा रहा है मेरे को, नहीं तो नॉर्मल जैसे दिन का टाइम ज़्यादा धूप लगी होती भाई, अंदर एंटर करते ही अंधेरा हो छा जाता है आँखों के आगे। इतनी लंबी भी नहीं है वो, सामने इसका एग्जिट भी दिख रहा है, वो इसके बाद डैम दिखेगा, बट भाई डैम को छोड़ो, मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ फिलहाल। डैम में उतना ज़्यादा पानी अभी रखा नहीं हो भाई, डैम तो इधर है रोड के बीच में। और खड़ा मुख हम पहुँच गए हैं, और इधर से अपना ये जो नीचे वाला रोड है ये एग्जिट है भरमौर के लिए, एंड ये वाला होली के लिए। तो होली यहाँ से बच रहा है 25 किलोमीटर, एंड उसके बाद आई थिंक करीब करीब उतना ही आगे होगा ये क्या बोलते हैं अपना नया ग्राम भाई, देखते हैं क्या रहता है कैसा रहता है। और भाई इधर से क्या बोलते हैं रोड ये वाला पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर लग रहा है, क्योंकि पहले इस तरीके का कुछ नहीं था, तो थोड़ा सा अपने को खड़े होकर ड्राइव करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी थकान है हल्की सी, क्योंकि तो ये टांग में मेरी घुटने पे थोड़ा वो है लगी हुई थी एक एक्सीडेंट में, वो काफ़ी ज़्यादा वो है ये, तो ठंड की वजह से उसमें हल्की पेन स्टार्ट हो जाती है, और हल्की पेन उसमें स्टार्ट हो तो पूरी टांग थक जाती है, वही हुआ है अभी भी अपने साथ। और भाई साहब इधर हुआ करता था एक पनियार, हाँ अभी भी है, और पानी भर रहा है ट्रैक्टर में। रोड कंडीशंस कुछ इस तरह की है, खतरनाक सी भाई साहब। और ये पहाड़ के ऊपर भाई मशीन काम कर रही है, प्लेन कर रही है इसको, वाह भाई साहब तगड़ा। और ये नीचे से क्या बोलते हैं ये कीचड़ चमक रहा है और आंखों में चुभ रहा है वो, और रिफ्लेक्शन इसकी काफ़ी तगड़ी। और भाई पानी ये आई थिंक रोड पे धूल के लिए फेंकवाया है भाई, और डैम बने पड़े हैं कहीं कहीं तो। भाई साहब ट्रक लाइन के साथ इतने सारे, और गियर शिफ्ट कर लेते हैं फिलहाल छोटा सा, एंड स्लोली भाई तगड़ा। और ये आ गया स्लिपरी कीचड़, तो कोई ना कितना ही स्लिपरी होगा स्किड तो नहीं हम करेंगे। सो भाई साहब खतरनाक रोड तो अब शुरू हुआ है, मतलब रोड तो पहले से ही खतरनाक था, बट अभी जो इसके बाद नज़ारे दिखने स्टार्ट होंगे ना ये रोड के, तगड़ी क्या सुंदर लोकेशन है ये। और इसी लोकेशन के बीचों बीच हम कहीं रुकेंगे, अपना रुकने का टाइम आ गया है भाई, कर ले अपनी साइड। भाई अभी हम रुके हुए हैं इधर खड़ी है अपनी बाइक, और वो है सामने होली, और इस तरफ बन रहा है भाई डैम। तो इधर रुक के हम कॉफ़ी बनाएंगे, इधर बूटेन जला के, तो रुकते हैं थोड़ी देर, और गोप्रो भी चार्ज। सो भाई इधर हैं हम अभी, एंड अपनी कॉफ़ी रेडी हो चुकी है, क्या तगड़ी कॉफ़ी बनी है अभी पी रहे हैं हम। बाइक इधर खड़ी है, साथ साथ में हल्का म्यूज़िक चल रहा है, भाई साहब तगड़ा मज़ा आ रहा है कॉफ़ी पीने का भी, इतने ऐसे मतलब ठंड है भाई इधर तगड़े वाली। और उस वाली तरफ वो सामने उधर बर्फ़ है भाई पहाड़ों पे, सामने पावर हाउस, इधर अपनी बाइक, और भाई सोफा, हर कुछ मज़ा आ रहा है, हल्के हल्के म्यूज़िक के साथ तगड़े वाली कॉफ़ी, ऐसी वाली लोकेशन, ऐसे रोड के बीच में भाई सोफा। तो फिलहाल स्पीड अप करते हैं थोड़ा सा, क्या चलते हैं निकलते हैं टाइमली। भाई साहब ठंड को थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है थोड़ी देर धूप से की मैंने, तो उसकी वजह से, बट नाउ भाई यहाँ से अराउंड 25 किलोमीटर्स बच रहा है, बाकी देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो अभी दोबारा से रिफ्रेश होके अभी हम चल रहे हैं, तो थोड़ा थकान भी हटी है एक्चुअली ठंड की वजह से, मेरी ये राइट वाली लेग
इस पर दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये घुटना दो बार इंजर्ड हो चुका है। तो अभी उसमें इतना दम नहीं है इस घुटने में कि ये दोबारा से वो कर सके, तो ठंड की वजह से भी ये जाम हो जाता है और काम करना थोड़ा सा स्लो कर देता है। तो उसी वजह से थोड़ी देर अपने को रेस्ट करना पड़ा धूप से कि एंड सब कुछ, और उसके बाद नाउ सब कुछ बढ़िया हो चुका है एंड अभी हम चल रहे हैं तगड़े तरीके से। दोबारा से आ चुके हैं हम, ऑफ रोडिंग मोड ऑन हो चुका है अपना एंड भाई तगड़े से चल रहे हैं हम नाउ इस ऑफ रोड पे। तो भाई साहब जितना ज़्यादा जल्दी पहुँचेंगे इवनिंग उतना ज़्यादा जल्दी घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि इवनिंग घर पहुँचना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज भाई मैच है तगड़ा तगड़ा इंडिया न्यूजीलैंड, उसके लिए हम टाइमली पहुँचेंगे। और भाई ये वाली घर, ये वाला स्लाइड, ये वाला कंटिन्यू रहता था भाई उस टाइम पे, वाह खतरनाक भाई, भाई साहब ये क्या ही हुआ होगा भाई भाई भाई, बंदा तो सेफ होगा बट भाई कैसे निकला होगा आई डोंट नो भाई, खतरनाक कैसे फंस गया हुआ है, नीचे जाता तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता भाई साहब, खतरनाक। सो भाई तभी बोलता हूँ जितना हो सके उतना सेफ चलो भाई साहब, ये इतना बाहर गया क्यों, इसकी तो साइड भी भाई बाहर वाली तरफ नहीं थी, बट भाई ऐसे रोड्स पे क्या होता है ना कि रात के टाइम अगर आप ड्राइव कर रहे हो, मोड है आगे, जगह वो है कच्ची रोड है तो जगह बैठ जाती है या कुछ, भाई उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे केसेस होते हैं ऐसी लोकेशंस पे। तो भाई जितना हो सके उतना सेफ ड्राइव करो वो ज़्यादा बेटर। और भाई क्या तगड़ी लोकेशन है हर कुछ, और हम पहुँच चुके हैं प्रॉपरली होली नाउ एंड थोड़ा सा स्पीड अप एक बार फिर से, और इधर है आगे होली हेलीपैड। सो भाई साहब इधर से अपने को जाना है थोड़ा सा पीछे, क्योंकि भाई को कॉल करी मैंने, भाई ये है हमारा इधर एक, तो उसको कॉल करी, उसने कहा भाई थोड़ा सा आगे हो तुम, थोड़ा पीछे आ जाओ, मैं रोड पे आ गया हूँ। सो मिलते हैं भाई से एंड फिर चलते हैं आगे। तो इधर भाई ने कहा कि थाने के पास अपना रूम है। हेलो भाई, बस भाई जाना जा ही नहीं सकता अब कुछ कल्ले। भाई साहब प्योल, और किसी टाइम पे कुछ जमाने के लिए हम इधर राह भी करते थे भाई, तो अपना 2 मिनट नीजू भाई के पास रुके थे, भाई भी साथ में जा रहे हैं हमारे मंदिर, और इधर हुआ करता था अपना ऑफिस। तो भाई इधर भी काम करा है मैंने, ये वाली बिल्डिंग GMR का, और इसके साथ में अपना वो AMS है हमारी थल्ले वाली, इतने होते थे बैस ये होता था पुलिस वाले बैठते हो इतने जो इतने भाई AMS ना मैस कोपले पास से था मेरा वाला हॉस्टल। तो भाई रोड और भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, और नीचे खतरनाक और भी ज़्यादा, और GMR के बोर्ड दिख रहे हैं भाई, ये वाला पहाड़ पूरा ऊपर तक दरार, खतरनाक रास्तों में खतरनाक हम लोग भाई साहब, बहुत दिनों के बाद ऐसे रास्तों पे राइड कर रहा हूँ मैं, मज़ा आ रहा है बट भाई ये राइड का स्लोली स्लोली ये स्पीड पे, इससे ज़्यादा स्पीड पे जा नहीं रहा हूँ, बट भाई हर कुछ सुंदर वादियाँ और राइड करने का मज़ा ऐसी लोकेशंस पे है। तो भाई इस रोड पे सुपर चीज़ ये रही कि ऑफ रोड अपने को कोई भी नहीं मिला, बीच बीच में छोटा ऑफ रोड था, बाकी रोड सारा पक्का, और भाई सब पहाड़ खतरनाक खूंखार पहाड़। अब भाई बहुत दिनों के बाद इस तरीके की लोकेशन पे राइड कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, और भाई साहब ये बरसात के कमाल, खतरनाक नाला दिख रहा है भाई ये भी सुपर। और मेरा फ़ोन पता नहीं क्या हुआ भाई, फ़ोन कॉल आ रही थी, नो भाई की कॉल आई, मैं कॉल रिसीव करने लगा, फ़ोन ऑफ हो गया, क्या हुआ कोई आइडिया नहीं, रिंग आ रही थी डिस्प्ले बंद, तो नाउ रिबूट उट करेंगे, नहीं तो क्या ही होगा, वारंटी ख़त्म है, वारंटी पे तो है ही नहीं। तो भाई मैं बैंड भी बजा दूंगा एप्पल की अगर ऐसा कुछ होता है तो। भाई साहब हम पहुंचे हैं अभी नयाग्रा नाला, और वाटरफॉल देखना क्या तगड़ा लग रहा है, सुपर भाई, रील बनना
बननी चाहिए थी एक, बट फ़ोन को मेरे पता नहीं क्या हो गया भाई साहब, अगर ख़राब हुआ ना मैं धुआं निकलवा दूंगा एप्पल वालों का। बट भाई ऑन होना ज़रूरी है, इसका काम नहीं होगा, इसके बिना सारे काम रुक जाएंगे। तो कोई नहीं, फिलहाल चलते हैं। यहाँ पे रील बन सकती थी भाई बहुत तगड़े वाली, क्या सही वाला वाटर हॉल था। तो इधर थोड़ा सा इतना सा पैच है ऑफ रोड, और वो भी क्लीन है, बाइक पे पता ही नहीं चल रहा है ऑफ रोड इसकी सस्पेंशन पे। भाई साहब, भाई अगर वो वाली CRF मिल जाती ना अपने को तो वो लेके आते हम, और भी ज़्यादा तगड़ी सस्पेंशन के साथ थी वो, मतलब इसके मुकाबले तो बहुत ज़्यादा अपग्रेड थी उसकी सस्पेंशन, बट ये भी कम नहीं है हमारी। तो कोई ना चलते हैं। सुनिए एक और वाटरफॉल दिख रहा है भाई सुंदर, और जंगल वाला रास्ता है आगे हर कुछ ही। भाई साहब यही तो चाहिए अपने को। भाई साहब तगड़ा, बहुत ही तगड़ा। भाई इतनी सुंदर वादियों में से होते होते काफ़ी लंबी और तगड़ी राइड के बाद पहुंच चुके हैं हम, और वो जाता है रोड उधर से बड़ा बंगाल के लिए, चलेंगे किसी दिन। बट भाई पहुंच चुके हैं हम मंदिर माता रानी के, भाई सुपर हर कुछ। जय माता दी। मंदिर परिसर में शराब पी कराना मना है भाई, हम पीते नहीं है। बैग रख देना बाइक पर, ज्यादा नहीं सोचता मैंने चीचा बाहर। अब भाई चलेंगे नौ मंदिर दर्शन करने। अब भाई साहब पहुंच चुके हैं हम मंदिर माता रानी के। एंड भाई आए हैं हमारे साथ, तो भाई फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं घर। जय माता दी, जय माता दी। हाँ तो भाई मंदिर है सामने माता रानी का, तो फ़ोन मेरा पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है, तो GoPro पे वैसा कुछ दिख नहीं पाएगा, बट इधर सामने मंदिर है माता रानी का। जय माता दी और दर्शन माता रानी के। भाई साहब तगड़ा व्यू है मंदिर से आसपास का, और नीचे कुछ इस तरह का। और फ़ोन मेरा भाई पता नहीं क्या हो गया, उसको रिंग आ रही है, उस पर कॉल रिसीव नहीं हो पा रही, ना सीरी काम कर रहा है ना कुछ ना कुछ, तो बुरी हालत है भाई साहब। पूल नीचे कितना तगड़ा लग रहा है, और रोड खतरनाक इस साइड भाई, डैम नीचे खतरनाक सुपर। अब वापस अंदर मंदिर चलेंगे, हवा भाई तगड़ी ठंडी हवा चल रही है, सुपर मज़ेदार। तो भाई ये है मंदिर के अंदर से, मंदिर के इस तरफ का व्यू, और इधर मंदिर है, मंदिर हम अंदर जाके आ गए हैं। सारे चलते हैं पूजा पाठ करके और दर्शन करके माता रानी के आ गए हैं, और नाउ वापस जाने की तैयारी है अपनी। भाई साहब गीला हो गया पैर, पानी पे पैर रख दिया मैंने, तो पैर हो गया भाई टोटली गीला। एंड भाई सिंपल और प्लेन बताऊँ तो ये ब्रांड पे कभी ना जाइए आप, बंद हो गया भाई टोटली। और लेटेस्ट मॉडल है, लेटेस्ट तो नहीं है, 14 है 15 नहीं है, बट भाई अभी मुश्किल से एक ही साल हुआ है इसको, और फ़ोन टोटली ऑफ, कोई वो नहीं, डिस्प्ले नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो पता नहीं क्या ये घर जाके पता चलेगा क्या है क्या नहीं। किसी की कॉल आ रही है, फ़ोन बज रहा है भाई, ना कॉल रिसीव हो पा रही है ना कुछ, तो कोई नहीं जाके देखते हैं क्या हुआ इसका क्या नहीं। ओ भाई माता रानी के दर्शन करने के बाद
मंदिर का फाइनल वो देख सकते हो आप सामने से। एंड नाउ हम थोड़े से टाइम में वापस चलेंगे, बट थोड़ा आगे तक जा रहे हैं, थोड़ा ऑफ रोड करते हैं फिर वापस आएंगे। भाई तू ना गिर, तू क्यों गिर रहा है? तो उसके बाद बाइक की ड्यूटी है, बाइक की ड्यूटी है इधर ही नीचे डैम साइड पे। तो तब तक रुकते हैं, गप्पे मारते हैं भाई के साथ थोड़ी देर, फिर चलेंगे उसके बाद घर की तरफ। तगड़ा रोड है ये भी, तगड़ा ऑफ रोड, तगड़ा रोड है, मजा आ रहा है। और ये वाला रोड बनेगा बैजनाथ की तरफ, जो रोड बन रहा है भाई सारी छोटी छोटी बड्डी है जम्मी रुकिया और टाइम 1 बजे के करीब का हो चुका है। सो चलते हैं स्लोली स्लोली। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।